सतना के रामनगर परिषद सीएमओ और अध्यक्ष का विवाद सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। जेल में बंद नगर परिषद अध्यक्ष राम सुशील पटेल के समर्थन में आज भाजपा से अमरपाटन विधायक ने रामनगर में आंदोलन किया। शासन प्रशासन के खिलाफ इस प्रदर्शन में सतना जिला भाजपा के अलावा सीधी के चुरहट से भाजपा विधायक शारदेन्दु तिवारी भी शामिल रहे। अपने उद्बोधन में विधायक शारदेन्दु तिवारी कांग्रेस सरकार और जिला प्रशासन पर निशाना साधते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग कर डाला। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना किसी के बाप की नहीं है। जिला प्रशासन को धमकी देते हुए कहा कि दुर्घटना से बनी है कांग्रेस सरकार, बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। भाजपा सरकार आते ही कलेक्टर एसपी और अधिकारी को हमारे पीछे घूमना पड़ेगा। घायल पीड़ित सीएमओ देवरत्नम सोनी को सरकार का प्यादा कहते हुए भाजपा सरकार आने पर जेल भेजने की बात कही। छिंदवाड़ा का नाम लेकर इशारों में सीएम कमलनाथ पर अवैध रेत खनन का आरोप लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा से 200 बंदूकधारी आकर उमरिया से खुलेआम रेत खनन कर रहे हैं। रेत खदान में एक मशीन भी फंस गई है। एसपी कलेक्टर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अमरपाटन विधायक राम खिलामन पटेल ने आरोपी अध्यक्ष राम सुशील पटेल के पक्ष में बयान दिया। दिलचस्प बात यह रही कि इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन मोदी जी की नसीहत के बाद भी किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष के अलावा भाजपा के विधायक शामिल हुए। पुलिस ने रामनगर को छावनी में तब्दील कर दिया था। आंदोलनकारियों के ज्ञापन के बाद गिरफ्तारी भी दी। रामनगर में हुई उसकी चर्चा पूरे विंध्य में और पूरे प्रदेश में। हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता जो नगर पंचायत के अध्यक्ष थे और गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, आज जेल में। ये आवाज जो आज रामनगर से उठ रही है, ये पूरे विंध्य में फैल सकती है, पूरे प्रदेश में फैल सकती है। अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करने वाले हम लोग नहीं। आदरणीय विधायक जी के साथ लिखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास इनके बाप का दिया हुआ नहीं। जो भी छेड़छाड़ करेगा, चाहे यहाँ का कर्मचारी हो चाहे प्रदेश स्तर का कर्मचारी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये तो एक छोटा सा मोहरा है उसी मोहरे में, ये छोटा सा प्यादा है, इसको तो जेल जाना ही चाहिए। ये नहीं भेजेंगे तो जब हम आएंगे तब भेजेंगे। इसको तो जेल जाना ही चाहिए, लेकिन इसकी लिंक में जुड़े हुए जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको सबको भी जेल में भेजने का काम आगे आने वाले समय में हम लोग करेंगे कि कितनी ऊंची जेल तुम्हारी है और देखेंगे। मैं प्रशासन के लोगों को यह बताना चाहता हूँ, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो एसपी हो, वो ये सुन ले और जान ले कि भारत ये बहुत लंबे समय तक रहने वाली सरकार नहीं है। इसके पीछे पीछे घूमने के बाद उनको आगे चलकर बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे आने वाले 20-25 वर्ष भी ये नहीं रहने वाले। तो अधिकारियों और कर्मचारियों का भी बहुत लंबा समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही गुजरने वाला है। ये हुई सरकार, अब एक और नई तरीके में उतर आई है, और वह तरीका है विपक्ष में जो अच्छा काम करने वाले हैं, जनहित का काम करने वाले हैं, उनको रोको। क्या मैं एक उमराह नदी, बड़ी बढ़िया नदी थी, छिंदवाड़ा से गुंडे पूरी नदी की बालू को 6 महीने में खोद डाला, फोगलिन मशीन नीचे फंस गई है पानी में, और बंदूक लेके आए वहां की जो पुलिस है वो चूड़ियां पहन के बैठ गई, डर रही है। वो 100-100 राइफलधारी लेके आए पूरी बालू निकाल के। कितने लोगों ने गिरफ्तारी, क्या लगता है जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रहा है? प्रशासन तो यहाँ एक जो कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह, उनके इशारे पर उनके दबाव में आके काम कर रहा है। निश्चित रूप से जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, पर एक पक्ष को तो आप दोषी बता रहे हैं, दूसरे पक्ष का जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है उसको नहीं दिखा रहे। भाई राम सुशील जी पटेल के भी सर में चोट है, उनके भी सर में 2 जगह टांके लगे हैं, आँख काली पड़ गई है, तो उन्होंने अपने से डंडे तो न मान लिए होंगे। निश्चित रूप से नगर परिषद की बैठक थी तो जो प्रस्ताव लिखने को कह रहे थे वो प्रस्ताव नहीं लिखे हुए गए, और बीच में बातचीत हुई होगी उस पर झगड़ा हुआ होगा। हम लोग तो मौके से इतने नहीं, पर मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि घटने के पीछे की जो कारण है अगर आप उनको जान लेंगे तो आप कहेंगे कि इस घटना का 100% दोषी यहाँ का सीएमओ देवरत्नम सोनी, यहाँ के जो कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह है, यहाँ के कलेक्टर सत्येंद्र सिंह, यहाँ के मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव और
आदरणीय यहाँ के मंत्री जयवर्धन सिंह हैं। मैं 6 महीने से 4 बार हाई कोर्ट ने आदेश किया कि यहाँ के जो सब इंजीनियर सीएमओ के प्रभार में है उसको हटा करके, और यहाँ लालजी ताम्रकार को 4 बार हाई कोर्ट से आदेश हुआ और कलेक्टर ने कहा कि हम दबाव में हैं, आप तो राजेंद्र सिंह के साथ बैठकर समझौता कर लो। मैंने कहा मैं क्यों समझौता करना भाई, मकसद शासन ने आदेश किया कि लालजी ताम्रकार को बनाने का, फिर आपने प्रभार नहीं दिया तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से 4 बार आदेश हुआ, हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी सब इंजीनियर सीएमओ नहीं रह सकता, उसको तत्काल हटाओ। और प्रमुख सचिव जयवर्धन सिंह से हम 1 बार 2 बार 4 मिले, कभी नहीं हटाए। अगर वो यहाँ का देव रत्नम सोमनी जो सीएमओ के प्रभार में था इसको 6 महीने पहले हटा दिया जाता, लालजी ताम्रकार को जो हाई कोर्ट ने आदेश किया था सीएमओ बना दिया जाता, तो कोई ये घटना ही ना होती। और निश्चित रूप से उस सीएमओ ने यहाँ 75 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इनको ज्वाइन कराओ, तो आधे लोगों को ज्वाइन करा दिया जिनसे पैसा लिया, जो उसके प्रभाव में थे, आधे लोगों को आज भी उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा। तो निश्चित रूप से सारे घटना का दोषी यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह हैं, यहाँ जो सीएमओ के प्रभाव में था जो रत्नम सोनी वो है, और उसके किए कृत्य हैं। विधायक जी, क्या ये जो कार्यक्रम हुआ था, बड़ा कार्यक्रम अध्यक्ष कार्यक्रम हुआ, प्रदेश बीजेपी से अनुमति ली गई थी इस कार्यक्रम? हाँ, मैंने जिला अध्यक्ष से अनुमति लिए हैं और जिला अध्यक्ष कार्यक्रम में आए हैं, आपके सामने हैं। फिर मोदी जी का यही कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे? हम तो मोदी जी के सिपाही हैं, हमें जो हम अनुमत लेते हैं तो अपने प्रदेश के मैंने जिले के जो मुखिया हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, उनसे ले लेते हैं, उनसे अनुमत लेके कार्यक्रम किए। विधायक जी, चूँकि 5 विधायक हैं, कई बार संगठन बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, वो नहीं आए चाहते नहीं, नहीं मैंने माननीय नारायण त्रिपाठी जी से भी बात की तो दिल्ली में थे, हमने विक्रम भैया से बात की तो कल उनकी पेशी है इसलिए आज ही रवाना हो गया, आज उनको अपील से मिला था, नहीं बोले मैं ज़रूर आता। और दूसरे भी विधायक हमारे जो बीजेपी के हैं वो बाहर थे, जरूर आते। क्या कार्यक्रम क्या था आज यहाँ पे, किस तरह कार्यक्रम था, कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी? हजारों की संख्या में गिरफ्तारी दी, आपने देखा है बहुत बड़ी, यहाँ बहुत तेज बरसात हो रही थी और उसके बाद भी बड़ी संख्या में रामनगर के लोग निकले हैं, ये अपने आप में ये बताता है कि जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसके पूर्व हुई है उसमें जो एक तरफा कार्रवाई शासन ने की है उसके खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। सर सतन भैया, एक बड़ा सवाल ये है कि आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर बीजेपी धरना प्रदर्शन न करे, इस तरह का कल उन्होंने संसदीय बोर्ड में भी कहा है, आज भी बयान आ रहा है माननीय प्रधानमंत्री का, इसके बाद भी इस तरह का कार्यक्रम? प्रधानमंत्री जी का जो भाव है वो देश के प्रति, समाज के प्रति विकास का भाव, ये जो धरना प्रदर्शन था कांग्रेस सरकार का जो अधिकारियों के साथ मिली भगत करके जनता के हित की चीज़ों को रोकने का जो प्रयास हमेशा कई दिनों से चल रहा है, और यह प्रयास लोकसभा चुनाव के पहले से शुरू हो गया, राजनीतिक आधार पर लोगों के आवास से नाम काटे जा रहे थे, राजनीतिक आधार पर लोगों के कूपन से नाम काटे जा रहे हैं, निराश्रित वृद्धावस्था से नाम काटे जा रहे हैं, विकलांग तक लोगों के नाम काट दिए गए हैं। आप पूरे प्रदेश में देखें जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है उसके तक नाम काट दिए गए हैं। यदि कोई घटना हो रही है तो उसमें दोषी जो पक्ष है दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं, लेकिन उनके भी सिर में चोट, उनके सिर में चोट वो कहीं और से तो हुई नहीं होगी, उसी घटना के बाद हुई है। यहाँ पे लोगों का कहना है, आम जनता का ये कहना है कि जो यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष थे वो गुंडे लेकर घुस गए थे, उनने पहले मारा और उसके बाद फिर जनता की यहाँ पर बाहर लोग नगर पंचायत की बैठक में बाहर लोग खड़े ही रहते हैं, लोगों का गुस्सा है और लोगों ने उन पर हमला किया। घटनाक्रम जो भी था लेकिन उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए और जो भी दोषी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ हमारा वाला है, हम उसके साथ, हमारा भ्रष्टाचार का नाता है, हमारा उसके साथ अन्य तरह के हमारे कहने से वो काम करता है राजनीतिक आधार पर, तो वो कुछ भी करे तो वो उसके लिए सब अच्छा है और हमारे लिए सब खराब, ऐसा नहीं है। जनता की बात करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने में मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी करने में होती है, उनके खिलाफ संघर्ष ही हमारा रास्ता है और हम संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुँचे। देखिए, आज बीजेपी पार्टी जो है उन्होंने उनका कुछ विधायक लोग, स्थानीय विधायक के नेतृत्व में 200 लोग आए थे थाने में के सामने, उन्होंने कार्यक्रम रखा, पहले अनुमति लिया था और SDM को ज्ञापन दिया, उन्होंने करीब 200 लोग रहे उसमें,
उनका मांग ये थे कि जो अभी दो दिन पहले जो कांड हुआ था, अध्यक्ष ने जो सीएमओ के ऊपर हमला किया था जिसमें अध्यक्ष अभी जेल में अभी भी, तो अध्यक्ष को भी कुछ चोट लगी है तो उसकी जांच होना चाहिए, उनका मांग है। और उनका मांग है कि आरोपी एक प्रत्येक विशेष कम्युनिटी के लोग हैं, केवल उन्हीं को टारगेट किया जाए, उनका कहना है। तो उनका ज्ञापन लिया गया है, हमें भी उनने शिकायत, कल विधायक जी ने खुद हमें शिकायत किए थे, तो उसके उसमें जो तथ्य है उसकी जाँच किए जाएंगे, जाँच के आधार पर आगे कार्रवाई। सर कल